यहाँ पर एक एम्स जैसा अस्पताल होना चाहिए ताकि गांव के गरीब लोग यहाँ निःशुल्क इलाज कर सके। आज भी इलाज के लिए कोई ऐसा व्यवस्था कोल्हान एरिया में कहीं नहीं है। दूसरी बात है कि गांव के बच्चे लोग विदेश जा रहा पढ़ने के लिए, देश के अन्य प्रांत में जा रहा है। हम चाहते हैं कि IIT जैसा एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर चालू हो। हम चाहते हैं कि कुछ नया उद्योग का जो ये है कंपनी है उसको यहाँ पर ला। बंगाली समाज के लोग हमको बुलाने का काम किया है, राजपूत समाज के लोग भी हमको संपर्क कर रहा कि आप समय दीजिए। मुसलमानों को भूल जा रहे, मुसलमान वोट बैंक आप मुसलमान का बैंक इसलिए नहीं बोले, वो तो हमारा रिजर्व बैंक है, वो तो रिजर्व फंड है, उसको क्यों गिनेंगे हम? उधर तरजीह नहीं दे रहे हम, अपने को थोड़ी गिनते हैं। हम अपने को जैसा नहीं गिनते तो हम मुसलमान को नहीं गिनते, तो JMM का गोदी में है वो लोग। जमशेदपुर से झामुमो के प्रत्याशी समीर महंती हमारे साथ मौजूद है। आखिरी पड़ाव आ चुका है चुनाव का, हम इनसे जानेंगे कि आखिर अभी क्या पार्टी का स्टैंड है और कितना इनको जन समर्थन मिल रहा है। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। मुद्दे चुनाव में क्या है, मंगलसूत्र, मुसलमान या विकास? देखिए पूरा देश का यही मुद्दा होना चाहिए कि देश को विकास की ओर ले जाएंगे। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का मुद्दा भी यही है कि हम किसान को सालाना क्या कर सकते हैं, हम बेरोजगार को क्या करेंगे, घर का महिला को हम क्या देंगे। हर महिला को हमारा सरकार होगा तो 8,500 रुपया करके हम लोन देंगे। हर युवा को 1,00,000 रुपया का हम लोन गारंटी दे रहे हैं। इसमें कुछ लोग हमको सवाल कर रहा था कि ऐसा संभव कैसे है। हम उनको बोले कि RBI का 1,600,00,000 करोड़ रुपया जो रिटूब कर दिया है, अगर वो हम 1,00,000 रुपया सबको बांट देंगे तो कितना पैसा होता। आप सिर्फ 25 लोग के लिए किए, वो लोग के लिए किए हैं जिनका घर में जिनका औरत नीता अंबानी हर दिन 1 कप चाय 3 लाख का पीती है और अपना मोबाइल 3 करोड़ का रखते हैं, उनके लिए किए। लेकिन वहीं पर गांव का मजदूर अगर गलती से कोई पंप सेट खरीद लेता है किस्ती में और वो नहीं दे पाता तो आप इश्तहार चिपकाते हैं, आप मामला करते हैं, केस करके FIR करके उनको जेल भेजते हैं। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि जमशेदपुर का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं? जमशेदपुर का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दा तो पूरे देश के लिए है, वो तो एक सब्जेक्ट है कि देश कहता है कि हमें बहुत खूबसूरत नजर आ रही है, ये घर तबाही की ओर जा रही है। तो ये बात है कि आज हमको थोड़ा सा ठीक लग रहा लेकिन घर तबाही की ओर लेके जा रहा। आज हर चीज को प्राइवेटीकरण, हर चीज को बिक्री कर रहा है। आज आपका ये वर्ल्ड बैंक जितना पैसा लोन दिया है 70 साल में जो नहीं लिया आज 10 साल में उसका 4 गुना ले लिया कि रिटर्न कौन करेगा कैसे करेगा, लोग सवाल का नोटिस कर रहा। उसके बाद आपका दुनिया का आपका टैक्स ले रहे हैं, आप GST ले रहे हैं, उसके बाद GDP आपका क्यों घट रहा है? आप इनकम टैक्स ले रहे हैं, आपका GST ले रहे हैं, फिर GDP घट रहा क्यों? तो देश के लिए कौन सा ऐसा काम कर दिया आपके? फिर से बोल रहे कि हमको चुनाव में वोट दो, हमको वोट दो, क्या किया है? 10 गो शौचालय गिनवा दिया है, 10 गो गैस सिलेंडर गिनवा दिया है। शौचालय तो हमको जितना किया था सब गिर के खत्म हो गया है, 2-4 गो जो है उसको यूज नहीं करता है। गैस सिलेंडर में पटवा दे के आदमी बैठना शुरू कर दिया। और जो आयुष्मान कार्ड किया है, हमको नहीं लगता कि कोई भी आयुष्मान कार्ड में सफल चिकित्सा उन लोग का हो पाया है, क्योंकि आदमी को मालूम नहीं, वो जाता है मेडिटिना तो बोलता है मेडिटिना में तो नहीं होगा, ये मेडिका में जाना होगा, मेडिका बोलता नहीं गंगा मेमोरियल जाइए, गंगा मेमोरियल बोलता है कि नहीं वहाँ जाइए आपका उधर जो मानगो तरफ जो ब्रह्मानंद जाइए, ब्रह्मानंद बोलता TA में जाइए। वो जाते आते वो जमराज से दर्शन कर लेता है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा देने का एक बड़ा प्लान है। और देश के बात जहाँ तक करेंगे और जहाँ जमशेदपुर का बात करेंगे, जमशेदपुर ये देश के लिए हृदय है, आत्मा है, छोटा मोटा जगह ना, लेकिन क्या हम जमशेदपुर का वो इंफ्रास्ट्रक्चर को 75-77 साल में बना पाए? 1907 में टाटा स्टील आया, लेकिन 1909 से आज 2024 तक और कोई कंपनी लाने का काम क्यों नहीं किया? वो एक ही कंपनी तो चल रहा, वो भी धीरे 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 काम होते जा रहा। और यहाँ पर आज चले जाइए, वहाँ पर एयरपोर्ट किया है। एयरपोर्ट हम कहते हैं कि भाई हम भी एक विधायक है, हम लोग कोई चीज के लिए, जैसा मान लीजिए कि रोड है, रोड का हम लोग देखते हैं कि भाई
रोड कितना दूर है, वह फॉरेस्ट का जमीन है तो उसका नो ऑब्जेक्शन दिया जाता है, उसके बाद उसका प्राकलन बनता है, प्राकलन के बाद उसका स्वीकृति होता है, टेक्निकल सैंक्शन होता है, स्वीकृति होने के बाद उसका टेंडर होता है, और उसके बाद टेंडर के बाद उसका शिलान्यास होता है। भाई 10 साल पहले आप जो शिलान्यास किए हैं, आप किनको बेवकूफ बनाने का काम, किसको ठगने का काम किए? मोदी जी बोलते हैं आ करके, प्रधानमंत्री अगर बोल रहा है कि झारखंड सरकार, राज्य सरकार एनओसी नहीं दे रही है, तो ये तो ब्लेम गेम हो गया। आम तो आपको कह रहे कि आप एनओसी के बिना आप शिलान्यास क्यों किए हैं, जवाब दीजिए, आप किसको ठगने का काम किए हैं? वही गरीब, वही निरीह, उदार अज्ञानता का शिक्षा का आप नाजायज फायदा उठाए। परिणाम ये है वो कि जितने गरीबों का जमीन था सब भूमि माफिया जाके सस्ता में जमीन को खरीद लिया। आपका अगर नहीं हुआ है, आपका वन अधिनियम से अगर उसके ये नहीं हुआ है, नो ऑब्जेक्शन, आप शिलान्यास क्यों किए? स्वीकृति के बाद ना शिलान्यास होता है, किसको बेवकूफ बनाए? वही नारायण को जो आपको एक एक वोट देके आपको प्रधानमंत्री का कुर्सी में बैठा था, आपको संसद का कुर्सी में बैठा था। तो ये सरासर लोगों के साथ अन्याय कर रहा। घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ आप लोग के तरफ से, आप लोग के क्या क्या मुद्दे हैं, क्या आप किस बिना पर जमशेदपुर के युवाओं से वोट मांग रहे हैं? बहुत बड़ी युवाओं की आबादी है, ग्रामीणों की आबादी है, आप अगर सांसद बनते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, हम तो घोषणा पत्र दिए, शायद आपको देखे नहीं, आपको देखने का मौका नहीं मिला है। घोषणा पत्र हमने दिए हैं और हम बोले हैं घोषणा पत्र में कि हमको सबसे पहले जमशेदपुर जैसा एक कोल्हान का ये मैनचेस्टर है, यहाँ पर एक एम्स जैसा अस्पताल होना चाहिए ताकि गाँव के गरीब लोग यहाँ निःशुल्क इलाज कर सके। आज भी इलाज के लिए कोई ऐसा व्यवस्था कोल्हान एरिया में कहीं नहीं है। दूसरी बात है कि गांव के बच्चे लोग विदेश जा रहा पढ़ने के लिए, देश के अन्य प्रांत में जा रहा है। हम चाहते हैं कि आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट यहां पर चालू हो। हम चाहते हैं कि कुछ नया उद्योग का जो ये है कंपनी है उसको यहाँ पर ला के स्थापित किया जाए। एकलौता टाटा स्टील जिंदा है। हम चाहते हैं कि पूरे जमशेदपुर को पॉल्यूशन मुक्त करेंगे। हम चाहते हैं कि भाई ये जो आपका 86 बस्ती का मुद्दा बनाया, इस पर एक सफल और कारगर एक कदम उठाया जाए ताकि गांव का गरीब जो है वो निश्चिंत हो जाए कि भाई अब हम यहां पर शान के साथ जी सकते हैं, चैन के साथ जी सकते हैं, हमको भगाने वाला कोई नहीं। आज भी उनको लगता है कि भाई आज तो है लेकिन कल शायद हमारा घर टूट जाए, ये भय के साथ लोग जी रहे हैं। और अभी जो आपको बोले कि एयरपोर्ट का मुद्दा, हम कह रहे भाई आप इसको दोषी कर रहे, राज्य सरकार, आप शिलान्यास कब किए? कौन शिलान्यास किया था? रघुवर दास कौन था? राज्य सरकार का मुख्यमंत्री था। तो फिर भाई आप हमको दोषी क्यों कर रहे? वहां राज्यसभा सांसद आते हैं, दीपक प्रकाश आते हैं, कहते हैं कि ये चुनाव 10 साल के नामित सांसद और 5 साल के फेल विधायक के बीच, आपने काम नहीं किया क्षेत्र में, अब आप यहाँ आकर वोट मांग रहे हैं, तो आप अपना काम को जनता तक ले जा पा रहे हैं? हम जितना काम किए हैं, मेरा मुंह से बोलना ये गर्व हो जाएगा, हम अपने को बहुत छोटा करके रखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा बोलना हमको आदत नहीं है, लेकिन इतना बोल रहे हैं कि आज के दिन में हम अपने क्षेत्र में 500 करोड़ का पूरे हमारे विधानसभा में जलापूर्ति योजना का काम कर रहे हैं। चूंकि गाँव के लोग जब शहर आता है और शहर आके देखता कि भाई टैप खोलने से पानी मिलता है, लेकिन हमको तो 1 किलोमीटर दूर में सिर में कलश लेके आके पानी लेके आना पड़ता है, तो उनको एक ये फील होता है। और हम उसके लिए 500 करोड़ का काम शुरू करवा दें, हम 470 करोड़ का एग्रीकल्चर का पाइपलाइन का काम करा दिए ताकि किसान लोग को खेती पर पानी जा सके, हर घर को, हर खेत को पानी जा सके और फसल दुगुना वहाँ पर हो जाए, दो तरह का फसल वहाँ पर ये कर सकता है हम। उसके बाद आपका पता होगा आपको कि हम 56 करोड़ का वहाँ पर ग्रेजुएट कॉलेज किए जो सदियों से नहीं हुआ था। हम एक जमशेदपुर के तर्ज पर, आप जमशेदपुर इतना बड़ा जगह है, यहाँ जुबली पार्क है, हम 25 करोड़ का जुबली पार्क टकुलिया में कर रहे हैं। टकुलिया का लोग को भी जब पार्क जाएगा तो लगेगा कि भाई हम शांति का जुबली पार्क में है, इससे और बेहतर बना रहे हैं। हम वहाँ पर स्टेडियम कई को बनाए हैं। हम वहाँ पर आपका जीरो काट सोलर सिस्टम दिल्ली के तर्ज पर हम बनाना शुरू कर दिए। दिल्ली में 10 मिनट बिजली चला जाता तो फ्रंट पेज का सबसे बड़ा न्यूज हो जाता है। हम चकुलिया में 7-8 महीना बाद जीरो काट बिजली सोलर सिस्टम, 1 सेकंड के लिए भी बिजली नहीं जाएगा, उसका भी व्यवस्था हम कर दिए। और जितना स्कूल था सारे स्कूल को किसी को रिपेयर, किसी नया स्कूल करवाया है।
रोड रास्ता अनगिनत किए हैं। हमको नहीं लगता है कि विद्युत महतो बता सकता कि 5 सालों जो ये मिले था वो कौन सा काम किया, एक भी काम नहीं बता सकता। इसीलिए वो लोग का ढंग ढकोसला के बारे में लोगों को पता चल गया। जनता से मिल रहे हैं क्या फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक मिलता होगा, समर्थन की बात अलग है, फीडबैक से आपको क्या? देखिए फीडबैक वाला बात नहीं, आपको हम बता दे रहे, ये आप तो हमसे बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं, आपका हम राजनीति का बात बिल्कुल नहीं कर रहे। हम जब गांव से आए यहाँ शहर में चुनाव लड़ने के लिए सोच के कि भाई पार्टी प्रत्याशी बनाया है, पहले दौर में तो हमको बिल्कुल इच्छा नहीं था, लेकिन पार्टी बोला कि भाई सर्वे के बाद आपको दिया जा रहा, ये सोच के दिया जा रहा कि आप सीट को निकाल सकते हैं। लेकिन हम पहले जब आए, पहला दिन दूसरा दिन हमको हताशा निराशा लगा कि भाई हम कैसे इतना बड़ा क्षेत्र को घूमेंगे। लेकिन हम आज भी बोल रहे कि शायद कोई कुदरत का करिश्मा हो गया है, जितने समाज के लोग आज तक हमको बुलाने का काम किया है, वो हम कहीं पर बोले नहीं कि भाई आप अपना समाज को इकट्ठा करिए हम जाएंगे। वो लोग समाज के तरफ से तैयारी करके, हल बुक करके, कुर्सी बुक, नाश्ता पानी, माइक, सारा चीज करके हमको बुलाया है। तो 7 बजे बुलाया था, हम 9 बजे पहुंचे। अरे एक जगह पर नहीं, यहाँ पर आपको हम बता दे रहे कि सिख समाज के लोग कई मीटिंग हमको करवाया है, अपने खर्चा बर्चा खिलाने पिलाने का व्यवस्था करके, हम चौहानी पैसा ना दिया हमको कि मांगा। यहाँ पर मैथिली समाज के लोग हमको बुला के प्रोग्राम किया, यहाँ पर आपका क्रिश्चियन समाज के लोग हमको बुला के काम किया, काल उड़िया समाज के लोग एक बड़ा प्रोग्राम कर रहा, आपको आपको आप जाने का मौका मिलेगा, 700-800 लोग का खाने का व्यवस्था करके हमको और हमारे CM साहब को बुलाने का काम कर रहा। बंगाली समाज के लोग हमको बुलाने का काम किया है, राजपूत समाज के लोग भी हमको संपर्क कर रहा कि आप समय दीजिए। तो ऐसे लगता है कि भाई ये संभव कैसे हो रहा, हम तो कहीं कुछ बोले नहीं। मुखी समाज के लोग एकदम हृदय कल के समर्थन देते हैं, मुखी को तो कोई कुछ समझता नहीं, मुसलमानों को भूल जा रहे हैं, मुसलमान वोट बैंक, आप मुसलमान का बैंक किसी ने बोले वो तो हमारा रिजर्व बैंक है, वो तो रिजर्व फंड है, उसको क्यों गिनेंगे हम? उधर तक जी नहीं दे रहे, हम अपने को थोड़ी गिनते हैं, हम अपने को जैसा नहीं गिनते तो मुसलमान को नहीं गिनते, तो JMM का गोदी में है वो लोग, वो तो मुसलमान हमारा उसी का बुनियाद है, इसलिए मुसलमान मान लिया जाए। चलिए खत्म करते हैं, लंबा बातचीत हो जाएगा। मान लिया जाए कि शिष्य इस बार गुरु को पटक नहीं देने वाले? देखिए गुरु का चेला का बात जहाँ तक है, महाभारत का जो लड़ाई हुआ था, द्रोणाचार्य का चेला था अर्जुन, लेकिन जब लड़ाई हुआ तो गुरु को चला जाना पड़ा। तो निश्चित रूप से ये तो सत्ता का और सियासी का खेला है, इसमें सियासी में सब जाज होता है, सब जाज होता है, इसमें कोई गलत नहीं होता है। विद्युत वरण में तो 10 साल में अपने काम को नहीं गिना पा रहे हैं, और यही डर कहीं ना कहीं उनको भी सता रहा होगा कि कोई भी सांसद आज तक तीसरे बार लगातार नहीं जीत पाया। समीर महंती जो बारागुड़ा से विधायक है, वो काफी कॉन्फिडेंट है कि इस बार ये सीट झामुमो के खाते में जा रही। देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को क्या फैसला आता है, जनता क्या फैसला सुनाती। हमारे साथ बने रहे, आगे हम आपको और भी खबरें पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इतना बड़ा कलाकार।